संजय तिवारी पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल ग्रामीण रेंज ने जिला विदिशा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण और मार्गदर्शन हेतु भ्रमण हुआ। भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक विकास पांडे, रक्षित निरीक्षक श्रीमती मिलन जैन और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली गई, जिसमें कोरोना संक्रमण की तैयारियों का विश्लेषण किया गया। सैनिटाइजर, फेस मास्क, फेस शील्ड आदि सामग्रियों की उपलब्धता का जायजा लिया गया। पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को कोरोना वायरस बचाव हेतु ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। तत्पश्चात पुलिस अस्पताल में पुलिस कर्मियों हेतु आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अस्पताल के भ्रमण के दौरान उनके द्वारा एक फीवर क्लिनिक आरंभ करने का निर्देश दिए, जिसमें 12 से 2 बजे तक समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारियों जिन्हें किसी भी प्रकार से कोरोना संक्रमण के संबंध में कोई भी शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं वह पुलिस अस्पताल में निर्धारित समय में अपना चेकअप करा सकते हैं। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। प्रमुख तीन चीजें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और साथ साथ ड्यूटी में भी सतर्कता रखना। ये संबंध में उनसे मैं मिलना भी चाहूँगा और एक बार जो अभी जनरल जागरूक अभियान चलाया है एसपी साहब ने और जो पब्लिक को सेंसिटाइज कर रहे हैं कैसे कोरोना फैलने से अपन रोक सकते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं अपन हो गई हैं, क्या क्या और करना है, इस सब पे समीक्षा भी हम लोग करेंगे ऐसे ऐसे। सर, फर्स्ट लैंग्वेज मेडिकल जो हॉस्पिटल है इसमें किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी? अभी मैं बस आके उसको देखूंगा। एक फीवर क्लिनिक भी हम लोग खोल रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें जैसे जिसको भी जरा भी सिम्टम्स होंगे तो उसकी पूरी जाँच हो जाएगी और अगर जिसकी स्थिति थोड़ी ख़राब होती है उसकी सीटी स्कैन भी हम लोग कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, डिजिटल एक्सरेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी बाहर से आते हैं उनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन करके फिर जब वो उनका पूरा प्रॉपर टेस्ट हो जाता है निगेटिव आते तब उनको बाकी ड्यूटी करने की जरूरत पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।